उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के मार्गों पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद कांवड़ियों द्वारा मारपीट और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। जिला मुजफ्फरनगर में 22 जुलाई को कांवड़ खंडित होने पर भड़के कांवड़ियों ने दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर जमकर उत्पात मचाया था, कार चालक के साथ मारपीट की और गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। चालक की जान बचाने में पुलिस वालों के छक्के छूट गए थे और अब उसी मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों पर एक और व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आ गया है, जहां कांवड़ियों के शिविर में पहुंचने पर एक मानसिक मंदित व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने हस्तक्षेप करके कांवड़ियों को रोका और इस तरह वो व्यक्ति वहां से भाग गया। बाद में पुलिस ने उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुजफ्फरनगर के SP सत्यनारायण प्रजापति ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मीनाक्षी चौक पर कांवड़ शिविर में एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति पहुंचा था। व्यक्ति के हाथ में छड़ी थी, उसने छड़ी को एक कांवड़िए की और लहराया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कांवड़िए के द्वारा पहले उसके साथ मारपीट की गई, उसके भागने पर पीछा करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने कांवड़ियों को समझाकर शांत करा दिया। इस तरह से उस व्यक्ति को कांवड़ियों से बचाया गया। बताया जा रहा है कि मारपीट में उसे हल्की चोट भी आई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। इससे पहले 23 जुलाई को कांवड़ियों ने उत्तराखंड के रुड़की में भी जमकर बवाल काटा था। आरोप है कि एक ई रिक्शा की चपेट में आने से कांवड़ खंडित होने से कांवड़िए भड़क गए थे और चालक के साथ मारपीट करने के बाद उसके रिक्शे को तोड़ डाला था। घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस पर भी सवाल उठे। लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई कि एक गरीब का रिक्शा तोड़कर क्या मिला। उधर पुलिस प्रशासन ने भी कांवड़ियों से ऐसी घटनाओं से बचने की विनती की है। सावन में कांवड़िए गंगा नदी से पवित्र जल लेकर यात्रा कर रहे हैं। अधिकांश कांवड़िए पैदल ही यात्रा करते हैं। हरिद्वार से लेकर उत्तराखंड तक कांवड़ियों के बड़े जत्थे चल रहे हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन तैनात है। कांवड़ यात्रा से पहले UP और उत्तराखंड में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने पर भी काफी हंगामा मचा था। हालांकि बाद में इसे जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।